बताया था आप अभी प्रेजेंट में सीटा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप में से नर्सिंग के बारे में कुछ आपको पता है, नर्सिंग वर्ड है क्या, नर्सिंग वर्ड के बारे में कभी सुना है? मैं आपको थोड़ा सा अभी आपको आज बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बात करूँगा कि आपके एग्ज़ाम कैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है ना? नर्सिंग, नर्सिंग जो वर्ड है ये बेसिक्स में आप आपको बात करें तो जीएनएम जो वर्ड है आपको पता है ना, आप जीएनएम के बारे में, तो जीएनएम ओके, जीएनएम का मतलब क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। तो अभी ये जीएनएम जो कोर्स आप कर रहे हैं ये टोटल 3 इयर्स का होगा, ओके। इसमें आपके अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, उसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। सबसे पहला सब्जेक्ट है, आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत, मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायो साइंस, ओके। बायो साइंस की अगर बात करें, बायो वर्ड जैसा आप देख रहे हो, बायो मतलब बायोलॉजी, बॉडी से रिलेटेड, साइंस मतलब जिसको अपन विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये बायो साइंस के अंदर आपके सब्जेक्ट होगा। इसका एक आपके क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा, वो आएगा टोटल 100 मार्क्स का, ओके। आउट ऑफ 100 मार्क्स 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ओके। 75 प्लस 25, जो 25 मार्क्स है वो आपके इंटरनल्स होंगे, और 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो रिटर्न में होगा, ओके। अब 75 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन आएंगे इन तीनों सब्जेक्ट से मिलके आएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करें सब्जेक्ट, सबसे पहला है वो एनाटॉमी, कभी सुना है ये वर्ड आपने? थोड़ा सा बताइए एनाटॉमी। बिल्कुल सही कहा, आप में से कोई नहीं पता एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी में बहुत सारे अगर बात करें तो ऑर्गन्स होते हैं, तो वो ऑर्गन्स है उसकी बॉडी के, ऑर्गन्स के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ऑर्गन है वो कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्या है उसकी पोजीशन है, वो आता है एनाटॉमी में, ओके। अपनी बॉडी में जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ट है या फिर कोई ब्रेन है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो पोजीशन कैसी है, ठीक है, वो जो पढ़ते हैं वो आता है एनाटॉमी। उसके बाद में आता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब वो जो ऑर्गन है वो वर्क कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है, वो पढ़ेगा अपन फिजियोलॉजी में। फिर एक और सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसा आप वर्ड्स देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मतलब माइक्रोब्स रिलेटेड, जैसे जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, उससे रिलेटेड उनकी पूरी स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी में होती है, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट है, ओके, इसका आपके क्वेश्चन में आएगा 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें से आपको बात करें तो पासिंग मार्क्स है, इन दोनों को मिला के आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो आपको टोटल मिला के 50 मार्क्स आपको लेके आना है पास होने के लिए, ठीक है। तो ये है पहला सब्जेक्ट बायो साइंस, आपको ये पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट के बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए, ताकि अगर जैसे कोशिश तो ये रहेगी कि वहाँ पे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली वहाँ पे सारी तरीके से आपकी अच्छे से हेल्प की जाएगी। बट ये कि कभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने को खुद को पता होना चाहिए कि क्या सारी चीज़ें नर्सिंग में होती है, ठीक है, ये क्लियर है आपको?
ये पहला है सब्जेक्ट बायोसाइंस। पूरा क्लीन कर दो। फिर है सेकंड सब्जेक्ट बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस की मतलब अगर बात करें, बिहेवियरल साइंस का मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब अपना जो व्यवहार, ठीक है, अपने व्यवहार से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट आएंगे। इसमें दो सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट वो होगा साइकोलॉजी, ओके, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी, ये आप ये देख रहे होंगे कि यहां पे पी वर्ड है, फिर भी यहां पे साइको अपन क्यों कह रहे हैं इसको? तो पी वर्ड होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। साइको का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने ब्रेन से रिलेटेड, अपने किसी के बिहेवियर से रिलेटेड, ओके। साइको मतलब किसी का बिहेवियर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि किसी का बिहेवियर की स्टडी करना। कोई कैसे, अब जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है, तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, वो कैसे तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे एक पेशेंट आ गया अचानक से हॉस्पिटल में, जैसे आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी है, और उसी टाइम पे कोई पेशेंट आया और उसके बहुत बाद कर उसका एक्सीडेंट हो रखा है, तो आप उसका चेहरा देख के आपको पता लग जाएगा कि उसके दर्द हो रहा है, ठीक है, उसका आपने उसकी फिजिक्स को देख के, ओके, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो साइकोलॉजी आप इसलिए पढ़ते हो ताकि कोई भी पेशेंट आता है, वो आईपीडी हो या ओपीडी में हो, आप उसको देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा वो पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप उसको ट्रीट करते हो। जैसे बहुत सारे पेशेंट जिनके साइकेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो आपका अगला सब्जेक्ट होगा। तो ये है साइकोलॉजी, और दूसरा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की अगर बात करें, सोशियोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है समाज विज्ञान, ओके, और समाज विज्ञान की अगर बात करें सोशियोलॉजी में, अपने एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों से डील करना होता है। तो हॉस्पिटल में आप काम करते हो तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, तो हर एक पेशेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हो, कौन सा किस एरिया से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, तो आपको उसी के हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पेशेंट को अपने को समझना होता है। तो उसके लिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, ओके, तो इसका भी आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, ओके, सेम 100 मार्क्स, ओके, इसमें से 75 प्लस 25, बट यहाँ पे क्या है कि इसका वेटेज है, ओके, वेटेज की अगर बात करें तो 65% जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे साइकोलॉजी के। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे वो 10 सवाल है आपके, तो 10 में से 6 या 7 सवाल है वो साइकोलॉजी के आएंगे, और रिमेनिंग 35% और 3 या 4 सवाल आएंगे वो आएंगे सोशियोलॉजी के। ये सेम का सेम जो मैंने पहले जो आपको बताया था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ओके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 65% वेटेज रहेगा और माइक्रोबायोलॉजी का 35%, ओके, तो ये उसका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, पहला था बायोसाइंस, दूसरा बिहेवियरल साइंस। क्लियर है आपको ये? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ओके, फाउंडेशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में? क्योंकि आप नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, अब नर्सिंग की बात करें या फिर कोई भी अपन काम करते हैं, जैसे घर बनता है, तो घर के अच्छे अगर बात करें, एक अच्छा घर क्या होता है, मजबूत घर कौन सा होता है, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसमें अपन नर्सिंग के फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, इसमें है
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड। ओके, इसमें आप नर्सिंग के लेकर जो भी आपके बेसिक्स होते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करते हो तो हॉस्पिटल के अंदर आपको सारे सारे आपको वहाँ पे केयर देनी होती है। आप वहाँ पे एज ए क्लिनिकल नर्स काम करते हो, ओटी नर्स काम करते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स काम करते हो, आप किसी भी वहाँ पे कोई से भी वर्क में रहते हो तो आपको सारी जो बेसिक्स है, जो पेशेंट को आपको केयर देनी होती है, पेशेंट आने से लेके उसका डिस्चार्ज होने तक, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। और फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड आपको मेरे साथ सबको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, कि कोई भी जैसे कि बात कर जनरली अगर किसी के भी अगर जैसे कोई इंजरी हो जाती है तो उसको जो केयर देते हैं ओके वो फर्स्ट एड में आती है। ओके, तो इसका भी क्वेश्चन है, वो 100 मार्क्स इसका भी आएगा क्वेश्चन पेपर, और इसका वेटेज पूरा एक सिमिलर है, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के आएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन फर्स्ट एड के आएंगे। ये है आपका तीसरा सब्जेक्ट। उसके बाद में चौथा सब्जेक्ट है जो जिसमें अगर बात करें तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सुना है इसके बारे में कभी? कोई दिक्कत नहीं, अब से आपको डिफिकल्ट नहीं रहेगा बिकॉज मैं यही सब्जेक्ट डील करता हूँ। ठीक है, मैंने इसी में एमएससी नर्सिंग कर रखी है कम्युनिटी में। ओके, सो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा साथ में कम्युनिटी भी। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, CHN 1 या फिर इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इसके 2 एग्जाम, एक अभी आपके फर्स्ट ईयर में होगा, दूसरा होगा जो आपके 3rd ईयर में होगा। ओके, CHN 1, फिर है एनवायरमेंटल हाइजीन, न्यूट्रिशन। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें, आप नोटबुक को लेके नहीं आते, आप ये लिख लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है ना, नोटबुक आप साथ में, आप जैसे कल रेगुलर, अब से आपकी रेगुलर क्लासेस ही रहेगी नेक्स्ट 4 मंथ्स तक मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो पढ़ाने के लिए बात करें तो हिंदी सही है या फिर मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 मंथ उसका तो देखिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं ना क्लासेस है वो जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करवा सकता हूँ आपके। ओके, सो बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो ओके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो कम्युनिटी जो वर्ड है ओके ये कम्युनिकास से आया है, जिसका मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना। ओके, टू सर्व पीपल, मिलके लोगों को सर्व करना, वो होता है
कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो मोस्टली है वो रूरल एरियाज में, गांव में काम करती है। इसको अपन दूसरा अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ नर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ओके। दूसरा है एक एनवायरमेंटल हाइजीन। इसमें अगर बात करें एनवायरमेंटल हाइजीन की, क्या क्या ऐसे मेथड्स है, क्या क्या सब्जेक्ट तरीके हैं जिससे एनवायरमेंट है उसको अपन क्लीन रखा जा सकता है, ओके। वो है क्या एनवायरमेंटल हाइजीन में। तीसरा सब्जेक्ट है इसमें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि कोई भी पेशेंट आता है डिस्चार्ज होने के बाद में उसको खुद की केयर करनी होती है, तो उसको अपन जो केयर देते हैं उसको अपन कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन का तरीका, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि टू कम्युनिकेट, टू किस इसे आपके जो अगर बात करें जो भी विचार है जो भी आइडियाज उसको एक्सचेंज करना टू अदर पीपल, उसको अपन कहते हैं कम्युनिकेशन। और जो चौथा जो सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, न्यूट्रिशन आपने जैसे वर्ड से जैसे आप समझ रहे होंगे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट है उसको हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन अपन पढ़ते हैं ताकि उसके डाइटरी पैटर्न में, जैसे डायबिटीज कोई पेशेंट है जिसको शुगर हो रखी है तो उसको क्या क्या डाइट देनी है, या किसी के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या क्या डाइट देनी है, तो उसके लिए सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये है आपके चार सब्जेक्ट्स जिसके आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो अपन अब शुरू करेंगे इस चारों में से, ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये वाला पार्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्लियर है आपको? ओके, अब बात करें कि आपके आप क्या बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहेंगे, या फिर डायरेक्टली मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं कि जो आपके सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि हाँ ये खूब है। अगर आप कहो तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन कि आपको जिनको रटना है और आपके एग्जाम में वही आएंगे। नहीं सर, एटलीस्ट नर्सिंग में तो उसको तो एक बार पढ़ने थोड़ा बहुत पढ़ ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और इसके साथ में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिसको आपको सिर्फ एक ही चीज़ है मैं लिख देता हूँ। ओके, ये चीज आप याद रखना, रटना है वहाँ आपकी हिंदी होगी, नहीं आपके एमपी में एग्जाम होगा वो तो एक सर आपको बता देंगे, बट जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी में होगा। हाँ, बेंगलोर में इंग्लिश में होता है और एमपी में हिंदी में होगा। बेंगलोर में हुआ था तो अब नहीं, अभी सर ने बताया था हिंदी में होगा। हाँ, बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, खुद को। अभी एक बात मैं और कह देता हूँ, खुद अपने अपने किसी खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। इंग्लिश देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर बात करूँ मैं भी अगर बात करूँ तो मैं खुद रूरल बैकग्राउंड बाड़मेर से आता हूँ, और बाड़मेर में आप शायद जानते होंगे बाड़मेर के बारे में, और एक हाई स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी से पढ़ा हुआ हूँ। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश इतना कोई टफ नहीं है जितना अपन समझते हैं, जितना सोचते हैं कि बहुत इंग्लिश मुश्किल है, ये मैं कैसे करूँ, ऐसा कभी नहीं है। बस थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको, जैसे मैं यहाँ पर तो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊँगा, बट आपको घर पर जाके भी आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। आप सोच रहे कि बस यहाँ पर मैंने पढ़ा लिया, एक दो घंटे मैंने पढ़ लिया और बस उससे मैं हो जाऊँगा, शायद हो सकता है कि आप पास भी हो जाओ, बट उससे ये कि आप फिर उसके बाद पास होने के बाद आपको आपको और कहाँ जाना है, आपको कहीं भी होगा लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो मेहनत आपको करनी ही होगी। मेहनत का कोई अल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ठीक है। मैं ही आपको जो सब्जेक्ट अभी आज क्वेश्चन आज जो पढ़ रहा हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको नोट्स कल या परसों इसके नोट्स लिखवा दूंगा, या फिर आप एक नोटबुक लेके आना,
ताकि आप रेगुलर उसमें लिखते रहो. लिखोगे तो आपको क्या है कि वापस याद करने में ईजी रहेगा, और वापस जब आपका एग्जाम होगा तभी को आप पढ़ोगे ना तो बहुत ईजीली आप लिख पाओगे. ठीक है. ओके. कम्युनिटी, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ओके, यहां पे अपन उल्टा शुरू करते हैं. सबसे पहला जो वर्ड है नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब क्या होता है? ओके, नर्सिंग जो वर्ड है ये आया है वर्ड नर्चर से. आपको ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग वर्ड बना कैसे. नर्सिंग वर्ड है वो आया नर्चर वर्ड से. ओके, नर्चर जो वर्ड है ये अगर बात करें इसका हिंदी में मतलब होता है पोषण. जैसे पौधों को अपन नर्चर करते हैं ना, पानी पिलाना, खाद देना, तो वैसे ही जो नर्सिंग वर्ड है वो आया नर्चर वर्ड से. तो नर्सिंग में आप क्या करते हो, कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी मरीज होता है, उसको अपन क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सब चीज़ें अगर बात ओके उसके हर चीज़ का अपन ध्यान रखते हैं. ओके, तो नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया है? नर्चर वर्ड से, इसको नर्सिंग वर्ड कहते हैं. ओके, अब नर्सिंग की अगर बात करें, नर्सिंग की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेशन, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू परफॉर्म हिज एक्टिविटीज. ओके, नर्सिंग. उसके बाद में हेल्थ, हेल्थ का हिंदी में मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य. ओके, अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन है वो स्वस्थ है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? आप हॉस्पिटल में अगर जाते हो, वहां पे अगर कोई मरीज है तो कैसे पता चलेगा कि वो बीमार है या सही है? चलिए मैं आपको बताता हूँ. हेल्थ, देखिए अब इसमें बात करें कि हेल्थ क्या होता है. हेल्थ मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप लिख देना. इंग्लिश में आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार लिखा देता हूँ. अगर आपको देखिए जहाँ भी आपको समझ नहीं आया आप आराम से पूछ सकते हैं. हेल्थ इज ए हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेटस ऑफ फिजिकल कॉमा मेंटल एंड सोशल. मेंटल एंड सोशल, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. And not merely merely, absence of any disease. Absence of any disease or infirmity. Disease. ये वर्ड आप बहुत सुनोगे आप. Disease का मतलब क्या होता है? बीमारी. ठीक है. Disease or
इनफॉर्मिटी, इनफॉर्मिटी का मतलब होता है कोई किसी से कोई विकृति, फुल स्टॉप। एक और अब आप इसको पढ़ो, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेटस ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली ओके। बहुत इजी है, ये है डेफिनेशन है हेल्थ की जो दी थी WHO ने। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओके। उसने हेल्थ की ये डेफिनेशन दी थी कि इसके अंदर हेल्थ के अंदर उसने क्या बताया था, कोई भी पर्सन जो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और सोशली मतलब सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी या इन्फर्मिटी नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो मैं फिजिकली एकदम सही दिख रहे होता है, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही होती है, कोई डिप्रेशन में होता है, कोई टेंशन में होता है, ठीक है। तो उनको अपन बात करें तो फिजिकली तो फिट है पर मेंटली वो फिट नहीं है, तो उसको अपन हेल्दी नहीं कहेंगे। या पर कोई पर्सन है जो समाज से बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है एकदम, तो उसको सोशली वो अगर बात करें समाज जो साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं सोशली वो हेल्दी नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त है, वो जैसे आप चार पांच जनों का दोस्त है और एक दोस्त है आपका एक ग्रुप में एक फ्रेंड है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो ये होता है हेल्थ। तो नर्सिंग आपको क्लियर, नर्सिंग क्या होता है, केयर टू प्रोवाइड केयर, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की, कम्युनिटी जो कम्युनिटी जो वर्ड है, ये वर्ड आया है कम्युनिकास से, ओके। इसका मतलब होता है टू सर्व टुगेदर, ओके, मतलब टू सर्व, सर्व मतलब किसी की सेवा करना, मिलकर किसी की सेवा करना, वो होता है कम्युनिकास, मतलब कम्युनिटी में, ओके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, लोगों को गांव में जहां पे भी उसकी पोस्टिंग होती है वो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों को साथ इन्वॉल्व करती है और उनको केयर प्रोवाइड करती है। तो अब आप लिखिए आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। पहले वो लिखी थी हेल्थ की डेफिनेशन, अभी मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर हिंदी में लिखूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में भी लिखा दूंगा, ये सेम चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में लिखा रहा हूँ ना, ये आपको इंग्लिश हिंदी में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में भी कल से आपको हिंदी में लिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं क्या रेगुलर इंग्लिश में क्लासेस लेता हूँ तो यहाँ पे आपके साथ मैं आज हिंदी में क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक दिन लगेगा, ठीक है ना। कल से मैं आपके रेगुलर क्लासेस हो जाएगी हिंदी में, ठीक है ना। क्या हुआ, आगे तो देखो, अब ये तो है ही है याद, हाँ
चलो तुम वहां पे तो हाँ देखो, अब चलो मैं तुम्हें यहाँ पे भी हिंदी में बता दूंगा, हिंदी में तुम समझा भी दूंगा। फिर उसके बाद जब नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आगे फिर एग्जाम दोगे आगे, पता है एग्जाम कौन से, क्या आपको पता है आगे कंपटीशन कौन कौन से एग्जाम देते हैं? आपको बता देता हूँ, चलो ये अपन टॉपिक से थोड़ा सा मैं आपको बता देता, ताकि क्या कि आपके नॉलेज में रहेगा, ठीक है। एक होता है एग्जाम नॉरसेट, ओके। नॉरसेट जो एग्जाम होता है ये पर्टिकुलरली एम्स के लिए होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स है उसके लिए कॉमन एग्जाम होता है। नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट, ओके, ये होता है नॉरसेट, ये एम्स के लिए होता है। एक होता है जो ESIC, ये भी सेंट्रल का एग्जाम होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसमें ग्रेड पे जितना एम्स की जितनी सैलरी होती है उतनी कितनी, उससे बेटर सैलरी यहाँ पे ESIC में होती है, ओके। एक होता है RRB, RRB का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका भी एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का। इसके अलावा होता है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो स्टेट लेवल पे वैकेंसी आती है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट लेवल पे UTB, UTB के बेसिस पे अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे नर्सेज को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है, वो मेरिट बेस पे। बट इन सब में अगर बात करें कि यहाँ पे आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, यहाँ पर है यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे कि प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल ऐसे सिर्फ बस ठीक है काम करना ही है, सिर्फ आपको डिप्लोमा चाहिए चाहिए, तो वो तो फिर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। ओके, सो लिखिए आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। डेफिनेशन का हिंदी में मतलब होता है परिभाषा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोमोटिव PROMOTIVE प्रोमोटिव कॉमा प्रिवेंटिव प्रोमोटिव कॉमा प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव CURATIVE CURATIVE क्यूरेटिव सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, फुल स्टॉप। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या होता है कि तीन तरह की केयर दी जाती है, एक तो होता है प्रिवेंटिव, दूसरा प्रमोटिव और क्यूरेटिव। ठीक है, आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि बचाव ही इलाज है यार, ठीक है, कभी बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो कोई भी बीमारी होने से पहले उसका इलाज, तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है गांव में रूरल एरियाज में, तो वो लोगों को एजुकेट करती है ताकि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करे, ताकि वो बीमार नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई
कोई किसी को अपन टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण क्यों करते हैं, ताकि वो बच्चा है बड़ा होकर उसके अंदर वो पर्टिकुलर बीमारी, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है या फिर BCG का टीका कर लगाया जाता है या फिर किसी तरह की कोई भी दूसरी तरह की वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे मीजल्स का हो गया है या पेंटावेलेंट है, ये सारे वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों में ताकि उनको बीमारी नहीं हो, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंटिव मतलब बीमारी होने से पहले उसको रोकना। दूसरा होता है प्रमोटिव, प्रमोटिव का मतलब ये होता है कि हेल्थ को कैसे और अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, हेल्दी डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा, अपनी बॉडी अपने बैक्टीरिया और वायरस के लिए अपनी बॉडी इम्यून रहेगी, इम्यून मतलब ताकि उससे बैक्टीरिया और वायरस अपनी बॉडी में एंटर नहीं हो। और तीसरा होता है क्योरेटिव, क्योरेटिव का मतलब होता है कि बीमारी हो गई है अब उसको क्योर करना है, सही करना, तो वो मेडिसिन के थ्रू किया जाता है। तो इन सबको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्योरेटिव, इन तीनों का जो सिंथेसिस होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, समझ आ गया आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। इन तीनों चीजें जो जैसे प्रिवेंटिव चीजें होती है, प्रमोटिव और क्योरेटिव, ठीक है। तो ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आज थोड़ा सा बेसिक। अब आपको मैं आप ये एक और पढ़िए, एक और रिवाइज कीजिए ये। पूरा एक बार पढ़ लीजिए कोई दे। हेल्थ की डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, हेल्थ की डेफिनेशन है वो आप अब ये सोच लो कि रट लो, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ हेल्थ की डेफिनेशन। मैं आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें मुझे आपसे मतलब ये है कि वो मुझे आपसे चाहिए। मैं अपनी मेहनत करूँ तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो बेटर ये है कि आप ही के लिए अच्छा होगा, ताकि कि आप जब एग्ज़ाम के टाइम आप अच्छे से लिख पाओ। पढ़ लिया हेल्थ की डेफिनेशन, याद हो गई तो वापस पढ़ो, कम से कम एक अब कोशिश करो, एक और पांच, एक बार नहीं याद होगी, दो बार नहीं याद होगी, तीन बार नहीं याद होगी। हाँ कोशिश करो याद होगी, दो लाइनें हैं ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ोगे दो बार तीन बार पांच बार दस बार, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होता है। मैं चलो कोई बात नहीं, मैंने जब बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो मैंने पढ़े थे 2009 में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और उस बात को कितने साल हो गए आज, मतलब 15 साल से ऊपर हो गए। मैं वो सब्जेक्ट का एनाटॉमी अभी पढ़ा रहा, बाकी तो मैं इतने साल से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कम्युनिटी पढ़ा रहा हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं वापस, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब वापस ये कि बॉडी या अपन कोई भी चीज़ साइकिल अगर बात करें तो अपन रेगुलर चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चलाना काफ़ी साल के लिए नहीं चला तो वापस चलाते ना, थोड़ा सा बैलेंस करने में वापस टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, वापस एक बार धीरे धीरे कोशिश कीजिए, हो जाएगा।
पढ़ लिया, याद नहीं हो रहा एक दिन, हाँ कोई बात नहीं, चलो एक लाइन याद हुई है, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल स्कोर पढ़ के आना, ठीक है ना? बट ये कि कल आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये अभी मैंने आपको बताया कम्युनिटी के बारे में बेसिक्स, अब नेक्स्ट बात करें कंसेप्ट। ओके, सो कंसेप्ट की अगर बात करें तो टोटल 4 कंसेप्ट है। ओके, हाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, मैं यहाँ पे कंसेप्ट कि कोई भी बॉडी है, कोई भी हेल्थ की अगर बात करें, ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ ऐसे कुछ कंसेप्ट दिए हैं, यहाँ पे टोटल 4 कंसेप्ट है, ठीक है, मैं आपको आज समझा रहा हूँ। सबसे पहला वो है बायोमेडिकल कंसेप्ट। ओके, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट ये होता है कि इसमें माना ये गया है कि अपनी जो बॉडी है वो एक तरह से क्या है, एक मशीन है, ठीक है, और अपने ऑर्गन्स है उसमें, बॉडी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ में पैरेलली काम करते हैं ताकि वो बॉडी मशीन की तरह सही तरीके से काम करे। और जो डिजीज़ है या जिसको अपन कहते हैं बीमारी, वो एक तरह से उस मशीन के अंदर किसी तरह कोई ब्रेकडाउन हो जाना है, इसके कारण वो मशीन खराब हो जाती है, ठीक है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में क्या बताया हुआ है कि अपनी बॉडी एक तरह की ह्यूमन मशीन है और उसके जो ऑर्गन्स है वो उसके पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, एज ए जैसे किसी मशीन में जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वैसे अपने बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सारे मिलके एक मशीन बनाया है। और डिजीज़ क्या है, उस डिजीज़ का मतलब तो अपनी अपने शरीर में वो एक बीमारी है जो उस मशीन को काम करने से रोक रही है। जैसे आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, तो क्या एक तरह की मशीन है और उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक आती है तो क्या होता है, वो काम करना बंद कर देती। तो वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर अगर बात करें तो अपनी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अपना हार्ट है, अपना ब्रेन है, अपने लेग्स है, ओके, हर एक बॉडी पार्ट अपना अपना काम करता है। और किसी में भी अगर कोई भी जैसे पैर में अगर जैसे चोट लग जाती है तो पूरी बॉडी कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्ब रहती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में क्या बताया गया कि ह्यूमन बॉडी इज ए लाइक ए मशीन, ओके, एंड डिजीज एक तरह से इसमें ब्रेकडाउन का काम करता है, ओके, ये होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट। दूसरा होता है इकोलॉजिकल। ओके, इकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट और उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, उन दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सामंजस्य मतलब एक दूसरे के बीच इक्विलिब्रियम। जैसे अपनी बॉडी की अगर बात करें तो अपन
अभी यहाँ पे है, ठीक है, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, तो बॉडी एकदम नॉर्मल तरीके से काम करेगी। अपना बाहर का एनवायरमेंट अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, अपने शरीर से पसीना ज़्यादा निकलेगा, बॉडी की जो वर्क कैपेसिटी वो कम हो जाती है, या सर्दी होती है, तो दोनों के बीच अगर सामंजस्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी में दिक्कत होती है, बॉडी उसको एडोप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब, इकोलॉजिकल कंसेप्ट मीन्स है बात के ह्यूमन बॉडी का इक्विलिब्रियम किससे होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से, वो होगा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तीसरा है साइकोलॉजिकल, ओके। साइकोलॉजिकल की बात करें कि कोई पर्सन है वो फिजिकली तो फिट है बट मेंटली वो कैसा है, मेंटली वो फिट है या नहीं है। अगर मेंटली अगर प्रॉपर फिट होगा तभी वो पर्सन हेल्दी कहलाया जाएगा, ठीक है, ये होता है साइकोलॉजिकल। और तो चौथा है वो है होलिस्टिक। होलिस्टिक की अगर बात करें तो ओवरऑल वो इन सब में एकदम वो सही होना चाहिए तभी वो पर्सन हेल्दी कहलाया जाता है। तो ये है अलग अलग कंसेप्ट है हेल्थ के, ओके, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और होलिस्टिक। इन चारों का आप नाम लिख दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा या फिर मैं आपको कल हिंदी में लिखवा दूंगा। अब मैं आपको इंग्लिश में लिखूंगा तो आपके लिए फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है। मैं आज आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको आप घर पे जाके पढ़ना। आपके और टॉपिक, लिख दिया आपने, ये हटा दूं, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स या फिर कारक है जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं, तो कोई बात पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अपनी हेल्थ को प्रभावित करती है या फिर निर्धारित करती है। डिटरमाइन वर्ड सुना है कभी आपने? डिटरमाइन का मतलब कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है या फिर उसको अगर बात कर डिटरमाइन का उसका कार, जैसे कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है या तो वो अच्छा एवरेज कब देगी, कोई गाड़ी अच्छा एवरेज कब देगी वो, या अच्छे से काम कब करेगी। अब तो गाड़ी से चलाते हैं ना, रोड चलाने का तरीका ठीक है, और नहीं पता साइकिल का, स्कूटी उसमें पेट्रोल होगा तो चलेगी, ठीक है, और ग्रीस लगाएंगे। चलो
आपने सब चीज़ें जो बताई वो सही बताई है। तो जैसे साइकिल की अगर बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, कोई भी गाड़ी की अगर बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो जिस उसको अच्छा चलाने के लिए क्या क्या उसमें अच्छे से टाइम पे पेट्रोल फिल करवाना है, उसके टाइम पे उसकी सर्विसिंग करवानी है, मेंटेनेंस में जो भी वर्क है, टायर है सही होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एकदम मेन रोल प्ले करती है उसकी अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छे से चलने के लिए। अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी की अगर बात करें, अपनी बॉडी एकदम अच्छे से चले तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं या फिर बना के रखते हैं, तो वो होता है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो मेनली अगर बात करें 5 से लेकर 6 डिटरमिनेंट्स है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला वो है अपना जेनेटिक्स। सुना है वर्ड कभी, शब्द सुना है आपने जेनेटिक? आपने शायद साइंस में या फिर पहले पढ़ा हो आपने कि अपन कैसे होते, अपने माता पिता जैसे होते हैं। ठीक है, अपने को जो गुण मिलते हैं वो किन से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। तो वो जो बात करें तो जीन्स, जो वर्ड है जीन्स, जिसको अपन जीन्स को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट अपने माता पिता से अपने क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, और वही अपन नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अपने हेल्थ की अगर बात करें तो अपन अपने पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स में काफ़ी सारी जो बात करें वो अगर बीमार हो रहते हैं तो उनसे काफ़ी सारी बीमारियाँ कहाँ आती है, नेक्स्ट जनरेशन में आती है। तो वहीं बात करें तो एक जेनेटिक्स है, एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है अपने हेल्थ के लिए। अपने पेरेंट्स अगर हेल्थी है तो डेफिनेटली बच्चा भी हेल्थी होता है। काफ़ी सारे बच्चों में देखा होगा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है हेल्थ का जेनेटिक्स। ओके, और है वो है न्यूट्रिशन। अपनी डाइट, अपन कैसा खाना खाते हैं, अपन कैसे तरीके से अगर बात करें अपन क्या क्या खाना पीता ले, क्या इनटेक है, क्योंकि अपन जैसा खाना खाएंगे वैसे ही अपन हो जाते हैं। आप देखिए, अगर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, और एक आप उसको देखना जो हेल्दी खाना खाता है, आप उसका बिहेवियर देख सकते हो, आप उसका फिजिक्स चेक कर सकते हो कि दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अब जो पर्सन है वो रेगुलर अगर फास्ट फूड खाता है, बाहर का खाना खाता है, ठीक है, अनहेल्दी फूड लेता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कहीं दिक्कतें रहेगी, कुछ ना किसी डिजीज़ उसमें अर्ली डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है, दूसरी बीमारी बहुत जल्दी हो जाए। जो लाइफ अगर बात करें अच्छे डाइट लेता है तो उसमें ये सारी चीज़ें देर से होती है। ठीक है, तो एक न्यूट्रिशन है, ये भी एक बहुत ही मेजर डिटर्मिनेंट है हेल्थ का। और बात करें एक और है, वो है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल अगर बात करें तो आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन की अगर बात करें तो उनमें देखा होगा आपने ओबेसिटी बहुत जल्दी रहती है, वीकनेस लेजीनेस रहती है, और वहीं अगर आप बात करें अपने जो पुरानी जनरेशन है, अपने दादाजी और वो काफ़ी एक्टिव रहते उस एज में भी, तो इसका मेन रीज़न क्या है, उनकी लाइफस्टाइल। देखा होगा गांव के लोग हैं वो आज भी एक्टिव रहते हैं, रेगुलर उनमें प्रॉपर डाइट लेते हैं वो, अच्छे मतलब खाने इसका रेगुलर मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब रेगुलर लोग हैं, फिजिकल एफर्ट्स डालते हैं। बट आज के टाइम में जो शहरीकरण के कारण क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो अपन कहीं पर भी जाना है तो बाइक लेके जाएंगे, तो एक लाइफ स्टाइल है, इससे भी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, ये तीसरा फैक्टर है लाइफ स्टाइल। उसके बाद है एक और है, वो है अपना एनवायरमेंट, अपने आसपास का वातावरण कैसा है। आप वातावरण अगर बात करें, जैसा वातावरण होगा वैसा ही अपनी बॉडी होगी। जैसे आप देखो कि आप एक तो सिटी में रहते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती रहती है, बाइक वगैरह की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और एक आप गाँव में जाते हो, गाँव में जहाँ पे बहुत शांति है, तो देखा होगा कि आप जब अच्छे जहाँ पे आप गाँव में जाते हो तो आपको मेंटली आपको पीस मिलता है, बट यहाँ पे आपको क्या रहेगा, हर टाइम आपको एक चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें रहती है। तो अपना इन्वायरमेंट है वो कैसा है,
इन्वायरमेंट आप देखोगे अपना इन्वायरमेंट क्लीन है या नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे कारखाने हैं या फिर अगर बात करें बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो धुआं वगैरह निकलता है, तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ये है एक फैक्टर जो अपने हेल्थ को डिटरमाइन करता है। और एक और है, वो है मेडिकल केयर, कि मेडिकल केयर है वो अपने को कैसी मिलती है, मेडिकल केयर अपने को अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या प्रॉपर अपन को उनको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल आपने देखा होगा वहाँ पे पेशेंट तो पहुँच जाते पर वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे देखा होगा कि मरीज तो होते हैं पर वहाँ पे उनके लिए इतना दवाइयाँ होती है, डॉक्टर ही नहीं होते, नर्सेज नहीं होती, तो उनको केयर नहीं मिल पाती, उसका उनकी समय से पहले डेथ हो जाती है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, आप चाहो तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट का मतलब आप हिंदी मतलब जहाँ तक तो मुझे कारक होता है, बट मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। डिटरमिनेंट निर्धारक, इसके अलावा आप अदर्स में और भी खूब सारे हैं, आप चाहो तो अदर्स में और लिख सकते हो। सोशलिस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी का हिंदी मतलब होता है रोजगार। और एक और आप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको है एजुकेशन, शिक्षा। कौन सा ये सोशल स्टेटस, ठीक है। एक और आप इसको आप पूरा रिवाइज़ कीजिए जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और उसमें आपने जो भी लिखा है ना, आपने जो भी शब्द इंग्लिश में लिखे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका हिंदी मतलब क्या है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका हिंदी मतलब बताता हूँ। जो भी शब्द है कि इंग्लिश में लिखा हुआ इसका हिंदी मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूंगा।
क्लियर क्लियर है आपको, सारी चीज समझ आ गई? मैं पूछूं कुछ चीजें आपसे? पूछ लो। हाँ, समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ, फिर मैं उस हिसाब से फिर समझाऊं। हाँ, क्या चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, वापस समझा दूंगा। क्या मतलब, कौन से शब्द? मुझे एक शब्द बताओ ना कि इसका मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, फिर कौन सा है बताओ, कौन सी लाइन? चलो मुझे ये बताओ, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है एनवायरमेंट का? नहीं समझ आ रहा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उससे पूछो ना, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे इसी चीज़ के लिए, तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरमेंट का मतलब होता है अपने आसपास का पर्यावरण। पर्यावरण मतलब अपने अपन जहाँ पे है ना, अपने बाहर की साइड जो भी चीज़ें हैं वो आ गया पूरा एनवायरमेंट में। अब जैसे अपने यहाँ पे रूम में बैठे हैं, रूम में बैठे तो अपने आसपास से हवा है वो कैसी है, हवा साफ है या नहीं है, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी, हर तरह का फैक्टर वो आता है पूरा इन्वायरमेंट में। अब अपन बात करें कि अपन, मैंने आपको जैसे डिटेलमेंट में बताया था इन्वायरमेंट कैसे, अगर जैसे यहाँ पे मैं सर्दी बहुत ज़्यादा एकदम एसी बिल्कुल एकदम चिल कर दूँ तो कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी है। मैं ठंड में तो मैं कोई काम करने का बोलूं या लिखने का बोलूं या ध्यान रखें तो क्या फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर अपने को प्रभावित कर रहा है। अगर वहीं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर तो आराम से चीज़ समझ पा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नहीं कर पाएंगे। या कूलर चल रहा है, कूलर की आवाज़ जा रही है, या गाड़ियाँ चल रही है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है? इन्वायरमेंट में आती है। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? अपन ज़िंदगी कैसे जीते हैं वही है अपनी लाइफ स्टाइल। सुबह कितने बजे, सुबह हमेशा कहा सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे खाना। क्यों? क्योंकि उससे कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपन जब मेंटेन करेंगे तो उससे अपनी एक हेल्थ अच्छी रहती है। तो लाइफ स्टाइल अगर बात करें, रात को अपन फॉर एग्जाम्पल अपन रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, तो अपना दिन कैसा रहेगा? दिन में ही सोते हैं क्योंकि अपने पास करने के लिए कुछ। हाँ, नाइट ड्यूटी, हॉस्पिटल नाइट ड्यूटी करते हो। अब नाइट ड्यूटी करते हो तो रेगुलर लाइफ कैसी रहती है फिर? बहुत डिफिकल्ट रहती है ना काम करना, नींद ले पाते तो, क्योंकि हर टाइम दिमाग में नाइट ड्यूटी का, रात को हॉस्पिटल सोने को मिलता नहीं है, दिन को फिर काम करना, दिमाग में फिर वही चीज़ें चल रही थी ना। तो नाइट ड्यूटी के ये कि अब जैसे वहाँ पे तुम नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पे सुबह कितने बजे जाते हो ड्यूटी से? 7 बजे जाते हो, 7 बजे जाके सो जाओ। मेडिकल देखो, एमडी में कोई बात ड्यूटी मैंने भी की है नाइट ड्यूटी हो वहाँ पे, तो वहाँ पे ड्यूटी है वो फिर किसी और स्टाफ के बदले तुम असाइन की हुई है फिर सिर्फ सीखने के लिए? वहाँ पे नहीं कोई मिलने वाला है ना वहाँ पे? हाँ, तो उनकी जगह ड्यूटी तो थोड़ी कर रहे हो वहाँ पे। जैसे मोस्टली क्या, तो स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो वो खुद की जगह किसी और को असाइन करते हैं काम में जगह। अब नहीं, स्टूडेंट्स को दे देते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स मतलब वो कि ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, अनऑफिशियल वहाँ पे सीखने के लिए कि वहाँ पे अनऑफिशियल अपने मिलने वाले होते हैं ना, तो जा सकते हो। पर वहाँ नाइट में बहुत हालत ख़राब होती है, पता है मुझे। मैं 2-3 दिन ड्यूटी की थी, फिर मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगी, फिर उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आ गया था, क्योंकि वो नाइट की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल रहता है एनी टाइम, क्योंकि वहाँ पे कभी एक्सीडेंटल केसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक्सीडेंटल केस आते हैं, फिर उसके बाद केयर करना, और वहाँ पे मुश्किल से स्टाफ थोड़े से हैं और पेशेंट बहुत सारे हैं, तो सबकी केयर भी करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ठीक है, तो वो यही है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल है तो उसके लिए ये कर सकते हो कि नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी है, सुबह 7 बजे जाके सो जाओ।
अब तो वैसे कि 2 महीने हो गए, तब तो बॉडी एडजस्ट हो गई होगी उस हिसाब से, अब तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली अगर बात करें तो 4-5 दिन के लिए बहुत दिक्कत आती है, और नाइट, चलो अभी नाइट करो, जब जैसे गवर्नमेंट में जब जाते हो हॉस्पिटल, जब एम्स अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे ये फिक्स है कि मंथ में आपको 7 डेज नाइट होगी, वो 3 डेज का ब्रेक कर दिया, बाकी 7 डेज का है। नहीं नहीं 7 डेज है, मैं तो काफ़ी सर, मैं खुद पहले एम्स में ही पोस्टिंग थी, या MDM में, अच्छा MDM का, क्योंकि मैं खुद पहले क्या एम्स में ही था, तो वहाँ पे एम्स में क्या है कि अब जैसे मेरी तो जनरल ड्यूटी रहती थी, बाकी ये कि मंथ में 7 डेज नाइट होती थी, ठीक है, और उसमें भी 3-3 दिन का होता, 3 दिन करके फिर नाइट, फिर 3 दिन, मतलब 3 नाइट आपको एक साथ करनी होती थी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, वो तो सारी चीज़ें जब धीरे धीरे काम करोगे तो आपको सीखने को, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती जाएगी। तो ये अभी कुछ बेसिक्स मैं आपको बताया डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ में। जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो अपने को अपने माता पिता से जो अपने को गुण मिलते हैं, ठीक है, वो होता है जेनेटिक्स। अपने पेरेंट्स हेल्दी थे तो डेफिनेटली उनके जीन्स अपने अंदर, तो अपन भी हेल्दी होंगे। अपने पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो अपनी भी हाइट ज़्यादा होगी, तो वो किससे डिफाइड होता है, जेनेटिक्स। दूसरा होता है न्यूट्रिशन। अब जब बच्चा मदर जब प्रेग्नेंट होती है, ओके, तो उस टाइम वो डाइट कैसी ले रही है, क्या वो हेल्दी डाइट ले रही है या नहीं ले रही है। अगर हेल्दी डाइट ले रही है तो डेफिनेटली वो उसके बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसको जितना बॉडी इनटेक कर रही है उससे उसको 1.5 या एटलीस्ट 1.2 गुना उसको खाना चाहिए। इसके अलावा उसको सप्लीमेंट्स में है, फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड टैबलेट्स हमेशा उसको शुरू करनी है। शुरू कर ली फॉलिक एसिड्स, ठीक है, ओके। फॉलिक एसिड टैबलेट है, वो क्या करती है कि बच्चे में किसी भी तरह की कोई, जैसे आपने देखा बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो आने से रोकती है। तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल है, अपना एनवायरमेंट है, और मेडिकल केयर है, ये कुछ फैक्टर। इसके अलावा डिटरमिनेंट्स, और आपकी इनकम, आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो नो डाउट आप क्या करोगे, एक अच्छा खाना खाओगे, अच्छी जगह रहोगे, तो आपकी लाइफ वैसे भी अच्छी रहेगी। अच्छा घर होगा तो रहने में मजा आएगा, ठीक है, एक अच्छा सोशल स्टेटस होगा, ओके, आपके पास एक एम्प्लॉयबिलिटी होगी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है आपके पास रोजगार, मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ करने के लिए कुछ काम होता है ना, तो वो आदमी हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है, और उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। और एक पर्सन है जो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ के लिए खिलवाड़ कर रहा है, हेल्थ के साथ तो उसके लिए नुकसानदायक है। अब जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप स्टडी के लिए आप जैसे घर से दूर, आप कहाँ घर से दूर रह रहे हो ना, सब यहीं पे रूम लेके रहते हो ना आप। अब आप यहाँ पे बैठे पूरे दिन, आप घर पे हो 24 घंटे आप घर पे बैठे हो, क्या करोगे, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे टाइम वेस्ट होगा। उसी जगह आप स्टडी करोगे, कुछ भी काम करोगे ना, तो उसकी आपकी हेल्थ है वो एक्टिव रहेगी। और लास्ट में वो है एजुकेशन। तो ये कुछ डिटरमिनेंट्स है अपनी हेल्थ के, ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो ये चीजें आपको कल पढ़ के आनी है, ठीक है, तो कल फिर अपने इसके आगे का पढ़ेंगे। और मैं आपको एक नोटबुक, अब आप एक अच्छी नोटबुक लेके आना साथ में, आप उससे सारे नोट्स लिखना, और साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखाऊंगा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, वो आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्यों क्या हुआ बताओ। बाहर कहाँ, MP वगैरह में नहीं, उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे यहाँ का RUHS का राजस्थान का मुझे बताओ कुछ। अच्छा फेल हो गए, कोई बात नहीं, ये भी वो एक पास क्यों हुआ, बस उसने खुद मेहनत की है, वो भरोसे नहीं था। वैसे ही अपने को देखो, नहीं नहीं देखो 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 वो सब चीज़ें सही है, देखो देखो सब चीज़ें सही है कि देखो कोई कहता कि हाँ मैं करो,
बट ये कि अपने को खुद के ऊपर हमेशा होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ नहीं भी हो तो भी मैं खुद के लेवल पे कर सकता हूँ। डिफिकल्ट तो देखिए ये कि थोड़ी सी आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी थोड़ी सी। देखो आप जाइए कि मैं आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको सारी चीज़ें लिखवाएंगे, सब चीज़ें करेंगे, बट आपको थोड़ा सा मैं एफर्ट्स आपकी तरफ से आपको डालना होगा, ठीक है? ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, कल फिर अपन नेक्स्ट आगे, कल क्लास फिर थोड़ी सी अपन कोशिश कर, कल 5 से लेकर 7 बजे तक फिर क्लास, ठीक है ना? ये टाइम ठीक है, सुटेबल है? Excuse me.